हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। ये यूनिट वन है। यूनिट वन का पार्ट टू है। ऐसे मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हुए हैं। यूनिट वन का पार्ट वन मैं अपलोड कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने डिडक्शन का पार्ट अपलोड किया था, तो ये आज मेरी यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट टू, यूनिट थ्री, हालांकि मेरे वीडियोस जो हैं वो अपलोड हैं, आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। पहली यूनिट में ही कुछ रेट्स में चेंजेस थे और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, तो अब सारे पार्ट्स के एक एक वीडियो या जैसा भी होगा मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे। इवन उनको आधा ही पेपर उन्होंने पढ़ के पूरा पेपर कर लिया था। मतलब आपको पता है कि जैसे कि 40-80 एमसीक्यूज़ आने, आपको 40 करने हैं, तो आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का इनकम का टैक्स का पेपर मेरे लास्ट वीडियोस को देख के बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं चूँकि अभी और भी आपके पेपर्स हैं जिनकी मेरी एक भी वीडियोस नहीं पड़ी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया आपका और पब्लिक इंटरप्राइजेस हो गया, तो मैं अब कोशिश करूँगी मैं उसके पहले वीडियोज़ डाल दूँ, क्योंकि इनकम टैक्स के ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ पड़े हुए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके और भी वीडियोज़ अपडेटेड वीडियोज़ और डाल दूँ ताकि की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियोस को, क्योंकि मेरे वीडियोस देखते तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो अभी मैं डालूँ आपसे मिस हो जाए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट मैंने हाफ यूनिट कवर कर दी थी पार्ट वन में। मेरा दो टॉपिक रह गया था, एक तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम और कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे लिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एमसीक्यूज़ आप तभी कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं तो अभी टाइम है कि आप थोड़ा सा कोई भी चैप्टर है, जैसे कि मान लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अभी कोई भी चैप्टर है या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ उसकी थ्योरी ज़रूर पढ़िए। थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, आप पर्टिकुलर किसी एमसीक्यू को याद करके जाएंगे, मान लीजिए नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, बट अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। हालाँकि मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं, सो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फर्स्ट एमसीक्यू है एजुकेशन जो सेस है इज लेवल ऑन, किस पे जो होता है वो लेवी किया जाता है, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ़ अप्लीकेबल। अगर सरचार्ज अप्लीकेबल है तो उसको भी लेंगे, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद जो अमाउंट आती है उस पे एजुकेशन सेस जो है वो लगता है। अगर हम बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है उसकी रेट क्या है, तो वो 4% अब हो गई है, आपको ध्यान रखना है, अब चेंज हो गई है तो 4% है अब। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस जिसको हम लोग SHEC कहते हैं, तो ये किस पे लेवी किया जाता है, ये इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ़ अप्लीकेबल, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी फिर अगर हम लोग बात कर लें ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस जो है इसकी रेट कितनी होती है, तो इसकी रेट 1% होती है। स्टूडेंट आपसे इसमें से दो एमसीक्यू ज़रूर पूछे जाएंगे, एक तो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की रेट और आपका सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस की रेट, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है, ये एमसीक्यू ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट ले लेते हैं, हाँ ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स इज़ राउंडेड ऑफ, इनकम टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है जो फिगर आती है नियरेस्ट 10 रुपीज़ का, ठीक है, नियरेस्ट 10 रुपीज़ को, मतलब आप मैं आपको समझा भी देती हूँ कि मान लीजिए आपका जो इनकम टैक्स है वो आ रहा है 2,50,465, तो अब नियरेस्ट 10 मतलब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 470, तो ये इस तरीके से राउंड ऑफ होता है, ये ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होता है इनकम टैक्स की अमाउंट। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है, एग्रीकल्चर इनकम मतलब उसकी डेफिनेशन को किस सेक्शन में डिफाइन किया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1A में। कैजुअल इनकम रिसीव्ड होती है बाय SSC, तो क्या ये एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबल होती है, क्या होती है, तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। कैजुअल इनकम जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग, विनिंग इनकम, कोई भी विनिंग इनकम जो होती है उसको कैजुअल इनकम कहते हैं, और कैजुअल इनकम जो होती है वो पूरी टैक्सेबल होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे डिडक्शन के शुरू हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि डिडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डिडक्शन में 80C to 80U बहुत सारी डिडक्शंस है, उसकी लिमिट है, किसको मिल रही है, इसका मैंने एक डीप में वीडियो बनाया हुआ है, आप डिडक्शन का वीडियो देख सकते हैं, परसों मैंने अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, डिडक्शन 80C to 80U। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़, वो 30 मिनट्स का आई थिंक वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि डिडक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि आप फोकस करके पढ़िए, अगर हम चार यूनिट नहीं भी पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हम जितना पढ़ रहे हैं वो सॉलिड होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, आप दो यूनिट ही अगर आपने मेरी वीडियोज़ अच्छे से पढ़ लिए तो आपको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लास्ट ईयर बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ था, 80 MCQs में स्टार्टिंग के 40 MCQs उनको आते थे, तो उनको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो कहने का मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, ताकि उसमें से अगर MCQ आए तो आपके कभी भी गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट MCQ पे आते हैं, MCQ 8, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C की डिडक्शन किसको अलाउ होती है, इंडिविजुअल और HUF। अगर आपने डिडक्शन का वीडियो देखा है तो ये सारे MCQs आप बहुत जल्दी और क्विकली कर लेंगे। नेक्स्ट है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C की डिडक्शन जो है वो कौन क्लेम कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेस बाय SSC। तो अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन जो है, जिसको 80C की डिडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है, और ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है हिमसेल्फ, मतलब SSC खुद, स्पाउस या किसी भी चिल्ड्रन के लिए। अब बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80CCC। देखिए CC, CCC और CCCD, इन तीनों में जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होती है 150,000 की होती है। तो आपसे अगर 80C की पूछी जाए, 80CCC की पूछी जाए, 80CCD की पूछी जाए, सभी की जो आंसर होगा मैक्सिमम डिडक्शन इज अलाउड 150,000 रुपीज़। सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। डी जो है वो मेडिकल से रिलेटेड में है, ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। सो मेडिकल की जो डिडक्शन है, अकाउंट ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखिए मेडिकल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट की जो डिडक्शन होती है 25,000 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, बट प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप होता है उसके लिए जो अलाउ होती है वो 5,000 रुपीज़ अलग से अलाउ होती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द 25,000, जो 25,000 का ही पार्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB, डरावनी बीमारियाँ, जैसे कि कैंसर। हमने आपको ये इसमें भी बताया था कि अगर किसी पर्सन को कोई बड़ी बीमारी है तो एलिजिबल पेशेंट इज़ लेस देन 60 ईयर्स, अगर वो 60 ईयर्स से कम है, मतलब वो सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो उसको कितना अलाउ होगा। सो उसको 40,000 रुपीज़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो दोनों में से कम होगा वो अलाउ हो जाएगा। सीनियर सिटीज़न की लिमिट अलग है। आप, मैं फिर कहूँगी आपसे एक बार डिडक्शन का वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शन जो है वो 80EE की जो डिडक्शन होती है वो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, और एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हम लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट जो भी हम पे करते हैं उसकी डिडक्शन हमको 80EE में मिलती है। तो ये कितने साल तक अलाउ होती है, तो ये 8 ईयर्स और टिल द इंटरेस्ट पेड विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो जो डिडक्शन है वो हमें अलाउ होगी। नेक्स्ट ले लेते हैं इन द केस ऑफ द डोनेशन इज मेड इन कैश द डिडक्शन ऑफ 80G। अब आपको ध्यान रखना है, जी मतलब ग्रांट, ग्रांट मतलब डोनेशन, डोनेशन की डिडक्शन जो है वो अलाउ होती है 80G में, बट अगर कैश डिडक्शन है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,000 रुपीज़। कैश डिडक्शन 2,000 रुपीज़ अलाउ ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं GG, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन GG शैल बी लिमिटेड टू। अब GG का मतलब क्या होता है, घर घर, मतलब अगर हमने कोई घर रेंट पे लिया है तो उसकी कितनी डिडक्शन अलाउ होगी, तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होगी। नेक्स्ट ले लेते हैं GGA, मतलब इन द केस ऑफ द डोनेशन इज मेड इन कैश डिडक्शन अंडर सेक्शन GGA शैल बी अलाउड। ये ध्यान रखिएगा, डोनेशन अगर कैश है तो किसी भी सेक्शन में हो वो आपको 2,000 रुपीज़ ही अलाउ होगी। नेक्स्ट ले लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन RRB, RRB इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट शैल बी अलाउड। तो जो RRB की डिडक्शन है वो किसको अलाउ होती है, तो आपको ध्यान रहेगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है डिडक्शन वाले चैप्टर में, कि जो RRB की डिडक्शन है वो रॉयल्टी ऑन पेटेंट पे अलाउ होती है। तो ये किसको अलाउ होगी, एन इंडिविजुअल, और कौन इंडिविजुअल, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या पेटेंटी या फिर को पेटेंटी को अलाउ होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं डिडक्शन RRB, RR की डिडक्शन कितनी परसेंट अलाउ होती है, तो ये 100% ऑफ रॉयल्टी और 3 लाख रुपीज़, दोनों में से जो कम होगा वो हमें अलाउ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपसे MCQ में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट ले लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA। TTA का मतलब क्या है? 210 आमदनी। 210 आमदनी का मतलब है कि जो हम कमाते हैं उसमें से जो हम बचाते हैं उस बचानी बची हुई अमाउंट को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिटेड अमाउंट की जो डिडक्शन है वो किसमें किसको अलाउ होती है? तो वो इंडिविजुअल और HUF को अलाउ होती है। और मैक्सिमम इसकी लिमिट कितना है ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTA अलाउ टू बी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज़। मैक्सिमम डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो कितनी अलाउ होगी? 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट ले लेते हैं मिस्टर रजत जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं। ही विल अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। तो मैंने आपको बताया था यू सबसे लास्ट डिडक्शन है। और यू अगर कोई SSC खुद डिसेबल होता है, याद रखिएगा SSC खुद कोई डिसेबल होता है, अगर वो डिसेबिलिटी जो है वो 80% से कम है तो 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन अलाउ होगी। बट अगर 80% से ज़्यादा है, जैसे कि ब्लाइंड एक ऐसा केस है जिसमें 80% से ज़्यादा वो डिसेबल होता है SSC खुद, जब SSC खुद अलाउ होता है तो उसकी डिडक्शन EU में मिलती है। और मैक्सिमम डिडक्शन जो होती है अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो 125,000 की डिडक्शन मिलती है। अगर वो 80% से कम डिसेबल है तो उसको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव 5 लाख रुपीज़ रॉयल्टी। अभी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को 5 लाख रुपीज़ रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी ऑन द लिटरेरी बुक, जो मतलब उसने बुक पब्लिश की उसकी QQBU की डिडक्शन। आपको ध्यान रखना है क्वालिटी बुक्स, मतलब जो ऑथर बुक पब्लिश करते हैं उसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउ होती है? तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 3 लाख रुपए अलाउ होती है। मतलब इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि कितना टैक्सेबल हो जाएगा तो 5 लाख रुपए उसको रिसीव्ड हुई है रॉयल्टी, और 3 लाख रुपए में मैक्सिमम डिडक्शन है तो मतलब 2 लाख रुपए यहाँ पे टैक्सेबल होंगे उसके। हालांकि यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं पूछी, यहाँ पे ये पूछा कि QQB में उसको कितनी डिडक्शन अलाउ होगी। तो मैक्सिमम डिडक्शन QQB की है 3 लाख रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं अमाउंट, व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन ATDD, मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो डिडक्शन अलाउ होती है वो कितनी अलाउ होती है? 75,000 रुपीज़, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर द 100% डिडक्शन। अब डोनेशन में आपने देखा होगा डोनेशन की डिडक्शन ATG में अलाउ होती है। ATG में 4 कैटेगरीज हैं, 100% डिडक्शन जो है उसके लिए अलग अलग फंड्स हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ के जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो नेशनल स्पोर्ट फंड्स जो है वो एक ऐसा फंड है जिसमें हमको 100% डिडक्शन अलाउ होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 द मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हमने आपको पहले ही बताया ATC, ATCCC, ATCCD, इन तीनों में मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउ होती है वो अभी असेसमेंट ईयर 2020-21 के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपीज़ है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपका सी पूछा जाए, CCC पूछा जाए, CCD पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम डिडक्शन हमें कितनी अलाउ होती है? 1,50,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि अंडर GST विच सेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल HUF इज नॉट एंटिल अ डिडक्शन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में हमको ATG, ATC, ATD की डिडक्शन अलाउ होती है, बट ATP की डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होती है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डोनेशन डिडक्शन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80E। हमने आपको पहले ही बताया कि 80E मतलब एजुकेशन, मतलब कि अगर हमने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन हमको 80E में अलाउ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATG जो डिडक्शन है वो किससे कनेक्टेड है? तो वो डोनेशन से कनेक्टेड है। सो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं, इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कवर अप हो गई स्टूडेंट। और मैं गारंटी कह सकती हूँ कि आपको इस फर्स्ट यूनिट में, मतलब दोनों वीडियोज़ में 40 MCQs से पहले और ये 30 मतलब 60 MCQs जो हैं वो मैंने 60-70 MCQs अपलोड किए हैं। तो इसमें से आपको गारंटी आपको 20-25 MCQs ज़रूर मिलेंगे। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट यूनिट अब मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँ। पेपर के बाद रिव्यू करना ज़रूर मत भूलिएगा, आप ज़रूर रिव्यू करिएगा कि पेपर में आपके लिए मेरे वीडियोज़ कितने